नमस्कार, आप सभी का संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्य। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और सकारात्मक हैं। जैसा कि हम सभी लोग भारत का संविधान पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स को पढ़ा था, आज हम देखेंगे कि मौलिक कर्तव्य क्या हैं, क्योंकि इनसे प्रश्न बनते ही बनते हैं। देखिए, बिना मूल कर्तव्य के या मौलिक कर्तव्य के अधिकार का कोई महत्व नहीं है। यह ठीक वैसे ही है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। और एक नॉर्मल बात भी देख लीजिए कि यदि एक बेटे और पिता के बीच संबंध हो, बेटे का अधिकार है कि वह अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य पा सकता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पापा से कह सकता है, लेकिन जो है बेटे के लेकिन कुछ कर्तव्य भी हैं। यदि वह एक एज पर जाते हैं, मतलब वह वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हैं, बच्चा युवावस्था की ओर बढ़ता है, तो बेटे का भी बहुत सारे कर्तव्य बनते जाके हैं कि वह अपने पिता की आगे चल के सेवा करे या अन्य जिम्मेदारियों को। ऐसे ही देश में भी देखेंगे कि जो नागरिकों को मौलिक अधिकार तो मिले हैं, लेकिन उनका भी एक दायित्व बनता है कि देश की रक्षा करें, देश की प्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखें। हाँ, जरूर नागरिकों का यह मूल अधिकार है कि वह अच्छे स्वास्थ्य उनको मिलना चाहिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिलनी चाहिए, अच्छे जो है रोजगार के साधन मिलने चाहिए, लेकिन यह भी उनके कर्तव्य भी बनते हैं नागरिक के कि वह जो है देश की एकता अखंडता को बनाए रखे, देश के संविधान को, उसके आदर्शों को और राष्ट्रध्वज को, राष्ट्रगान को सम्मान दे। तो जो ये चीज़ें रखी गई हैं, इन्हीं को मौलिक कर्तव्य कहा गया है। अब ये मौलिक कर्तव्य क्या है, किस समिति द्वारा आए, इनकी हम चर्चा करेंगे, कितने हैं मौलिक कर्तव्य, क्योंकि प्रश्न इनसे इस प्रकार बनता है कि चार ऑप्शन देता है और इनमें कह देता है कौन मौलिक कर्तव्य है। यदि आपको 11 मौलिक कर्तव्य पढ़े होंगे, जानते होंगे, तभी आप चार में से क्लिक कर पाएंगे, वरना आप मूल अधिकार में कहीं चले जाएंगे, कहीं राज्य का नीति निर्देशक तो मौलिक कर्तव्य लगने लगेगा, तो इसलिए हमें यह भी देखना है। मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य कहते हैं, एक ही बात है, कर्तव्य, फंडामेंटल, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज या फंडामेंटल ड्यूटी जो है मौलिक कर्तव्य की बात इसमें चर्चा होती है। अब क्या है ये, किस संविधान के भाग में है, कहां पर है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देखते हैं। जो ये है मूल संविधान में नहीं थे, जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 के समय तो यह संविधान में भाग नहीं था। इसको सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी, वो उसकी सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संविधान के भाग 4A या 4K में जोड़ा गया और संविधान का जो अनुच्छेद 51K बनाया गया, जिसमें इसको रखा गया, किसको, मौलिक कर्तव्य को। तो देखते हैं तो क्या हुआ इसके बारे में, इसकी कैसे, मूल संविधान में तो था नहीं, तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा, पहले तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, कि संस्तुति पर या सिफारिश पर, संस्तुति पर इसका जो है मौलिक कर्तव्य रखे गए। ये संस्तुति पर क्या हुआ, 42वां संविधान संशोधन, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में हुआ, ये इनके सिफारिश के आधार पे। संविधान के किस भाग में रखे गए, भाग 4 का का पार्ट या 4A, किस आर्टिकल में रखे गए, अनुच्छेद आर्टिकल 51 को जोड़कर का बना दिया गया, मतलब 51 का बना दिया गया, उसमें इन मौलिक कर्तव्यों को रखा गया। जब ये रखे गए थे 10 मूल कर्तव्य थे, 10 मूल कर्तव्य थे, कर्तव्य 10 मूल कर्तव्य थे उस समय जब रखे गए थे। वर्तमान में या कह सकते हो 86वें
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 2002 में, तो उसके द्वारा जो है 11वां मूल अधिकार, मूल कर्तव्य कर्तव्य बना दिया गया बनाया गया। अब वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य। कभी कभी प्रश्न इतना सिंपल हो जाता है कि पूछ लेगा मूल कर्तव्यों की संख्या है, ऐसे बस आ जाता है मूल कर्तव्यों की संख्या है, कर्तव्यों की संख्या ऐसे ऑप्शन 10, बी का ऐसे 9, सी 11, डी 12। तो आपको 11 याद रखना है, 10 पे टिक नहीं लगाएंगे, 11 मानेंगे, क्योंकि वर्तमान की ही वो पूछता है जब मूल कर्तव्यों की संख्या की बात होती है। अब इसकी प्रकृति क्या है? अच्छा, इससे जुड़े हुए बड़े बड़े एग्जामों में क्वेश्चन रखे गए हैं। इसकी प्रकृति जो है, प्रकृति नेचर क्या है? न्यायोचित, गैर न्यायोचित है, गैर न्यायोचित मतलब जस्टिसिएबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा इसको लागू करवाया नहीं जा सकता है, या बात मतलब इसका दूसरा भी है कि बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी भी नहीं है। मतलब न्यायालय अपने निर्णय में इसका उपयोग तो कर सकता है, लेकिन इस पर कोई बड़ा निर्णय नहीं दे सकता। या कह सकते हो कि इसका यदि हनन हो रहा है, मूल जो कर्तव्य हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो कोई चैलेंज कर दिया जाए कोर्ट में, तो इस प्रकार का इसमें नहीं है। जबकि मूल अधिकार में क्या था? यदि उसका हनन होता है तो न्यायालय द्वारा उसे लागू करवाया जाता है, मूल अधिकार था। ये तो कर्तव्य ही है, तो इसमें क्या, ये तो स्वयं की कर्तव्य की ड्यूटी ही है, तो इसमें इतना ये महत्व नहीं रखता है। लेकिन फिर भी इसकी प्रकृति यही है, जो है गैर न्यायोचित है, बाध्यकारी नहीं है। प्रश्न ऐसे आ जाता है कि कार्यपालिका पर यह नियंत्रण स्थापित करता है, विधायिका को यह प्रतिबंधित करता है, तो यह न कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित नहीं करता है, ना कि विधायिका जो कानून बनाती है संसद, उसको भी यह प्रतिबंधित नहीं करता है। तो ये बाध्यकारी नहीं, तो इस प्रकार ये गैर न्यायोचित भी नहीं है। इस पर प्रश्न बन चुके हैं, ऐसे भी आ चुके हैं, तो अब हम आगे देखते हैं। ये हमने बता दिया, हाँ, इससे एक संबंधित समिति जरूर देख सकते हैं। एक समिति की बात यहीं पे करते हैं, 1999 में बनती है, कभी कभी प्रश्न रख देते हैं 1999 में, जे एस वर्मा समिति, कभी कभी वर्मा समिति के नाम से भी आ जाता है प्रश्न। तो ये किससे संबंधित है? ये कभी कभी समिति के संबंध आ जाते हैं प्रश्न में, तो वर्मा समिति संबंधित है मौलिक कर्तव्य से। जे एस वर्मा समिति मूल अधिकारों, मूल ये मौलिक कर्तव्यों को, मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए ऐसे बनाने के लिए बनी थी, ठीक, ये 1999 में। अब देखते हैं आगे, जैसे हमने बताया 11 जो हैं मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 कौन कौन से हैं पहले हम बता रहे हैं, फिर लिखा भी देते हैं। और आपको याद रखने की इतना ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बार उसको देख लें एग्ज़ाम से पहले, कि आप जिससे ये मैच कर लें क्वेश्चन आए कि यह मौलिक कर्तव्य है कि नहीं है, ये कन्फ्यूजन ना रहे। तो हम एक बार बता रहे हैं, इसको सुन सकते हैं ध्यान से, जो भारतीयों का, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, यही मूल कर्तव्य से स्टार्टिंग है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि, अब कौन कौन से कर्तव्य होंगे? पहला, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, उसकी संस्थाओं और राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करें। फिर दूसरा जो है मौलिक कर्तव्य हम देखते हैं क्या रहता है,
जो दूसरे मौलिक कर्तव्य में इस बात की चर्चा की गई है कि जो देश, मतलब देश से पहले थोड़ा सा आ जाएंगे, देश ही के लिए था समझे, जो आज स्वतंत्रता के लिए आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। मतलब क्या बात की गई, जो उस समय आज़ादी मूवमेंट से जोड़ा गया, जो मूवमेंट से चले थे, आदर्श था करो या मरो नारा था, या जो उस समय सिद्धांत थे, कोई जैसे भारत छोड़ो आंदोलन में कुछ नारे आए, कुछ सविनय अवज्ञा में आंदोलन में आए, तो उन्हीं आदर्शों को, जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुए आज़ादी के लिए, उन्हीं आदर्शों को संजोए रखें, उनका मतलब पालन करें। फिर तीसरा जो मौलिक कर्तव्य रहता है उसमें देश की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें एवं उनका उनको अक्षुण रखें। चौथा, देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर सेवा के लिए उपलब्ध रहें। मतलब अब सेवा का मतलब क्या है, जब हम लोगों ने संविधान के मूल अधिकारों को पढ़ा था तो वहाँ पर एक हमने जब आर्टिकल 24 की बात की थी, जहाँ पर बलात् मजदूरी कह सकते हो, 23 की बात की थी, जहाँ पर 23 में क्या बात था, अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी एवं या मानव तस्करी को मानव दुर्व्यापार भी कह देते थे, दूसरा था जो बलात् श्रम या बंधुआ मजदूरी, तो सरकार बंधुआ मजदूरी के तो विरोध में है, लेकिन सरकार चाहे जब सार्वजनिक कोई व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कोविड पेंडेमिक आया तो सरकार ने कहा स्वयं सेवकों से मदद के लिए आएँ, ऐसे कभी सैन्य व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है तो सैनिक के रूप में सरकार कार्य ले सकती है। वहाँ बंधुआ मजदूरी नहीं हो जाएगा कि बंधुआ मजदूरी हम नहीं करेंगे तो इस तरीके से हम मौलिक अधिकार का हमारे हनन हो रहा है, लेकिन वहीं ये बात मौलिक कर्तव्य में कही गई है, तो इस बात पर हमने चर्चा की। अब उसके बाद जो है अगला आता है, क्या देश के लोगों में समरसता एवं समान भ्रातृत्व की भावना को विकसित करें, लेकिन यह मतलब क्या हो, जो भाषा, धर्म, वर्ग, प्रदेश पर आधारित भेदभाव से परे हो और ऐसी कोई भी प्रथा ना बनी हो या उसका पालन ना करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, यह भी मूल कर्तव्य में बताया गया। फिर क्या, जो हमारी संस्कृत की गौरवशाली परंपरा है उसके महत्व को समझे। फिर अगला जो है प्रकृति, क्या है प्रकृति संरक्षण या प्रकृति प्राकृतिक पर्यावरण में नदी, झील, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करें। फिर देखते हैं इसके बाद में जो सार्वजनिक जो संपत्ति है उसकी भी रक्षा करें, ये नहीं है जो है तोड़फोड़ करने लगते हैं, दंगे हो जाते हैं, उसमें भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के नेतागिरी कर रहे हैं, तो क्या रहता है, और जो है सार्वजनिक हिंसा से दूर भी रहें, मतलब सार्वजनिक क्षति भी ना करें और हिंसा से अपनी दूरी बनाए रखें। फिर क्या रहता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, मतलब अपना दृष्टिकोण कैसा रखें, वैज्ञानिक रखें, थोड़ा सा पढ़े लिखे वाला दृष्टिकोण रखें, उसका परिणाम सोचें, वही पढ़े लिखे गैर पढ़े लिखे में क्या रहता है, वो परिणाम की चिंता नहीं करता, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है हर चीज़ का परिणाम पहले देखता है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा हमेशा सुधार की भावना का विकास करें। फिर देखते हैं आगे जो मौलिक कर्तव्य है उसमें यह बात की कि आगे बढ़ते रहने का प्रयास करें, सतत रूप से आगे बढ़ते रहने का प्रयास करें, चाहे वह व्यक्तिगत हो या व्यक्तिक समूह के, सभी चीज़ों में सतत रूप से आगे बढ़ते रहने का प्रयास करें। फिर देखते हैं जो अंतिम सबसे रहता है, माता पिता जो कि अपने पाल्य जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु का हो उसके लिए शिक्षा का अवसर जरूर प्रदान करें। तो इस प्रकार की बातें कही गई, इनको हम लिखा रहे हैं, इसी से प्रश्न बनते हैं। इसमें हमने किन किन की बात नहीं की, जैसे जो स्मारकों की, ऐसे प्रश्न बन जाता है, जैसे प्रश्न बना क्या, मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य एक ही बात है, मूल कर्तव्य कर्तव्य नहीं है, मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है, इस प्रकार से मूल कर्तव्य के तहत संरक्षण करना है किसका, ग्राम पंचायतों का फिर जो है महिलाओं बच्चों
वह वंचित वर्ग का, वंचित वर्ग का। पशुपालन का, पशुपालन मतलब पशुपालन क्या, दुधारू पशुओं का संरक्षण, दुधारू पशुओं का संरक्षण करना। डी प्राकृतिक पर्यावरण। अब ये प्रश्न, इस तरीके के प्रश्न आ चुके हैं। तो आप, हमने बताया ग्राम पंचायत गठन की कोई बात हमने नहीं की, इसमें कोई हमने इतनी बातें बताई, इसमें कोई डिस्कस नहीं किया ग्राम पंचायतों का। ये भी राज्य के नीति निश्चित तत्व में आएंगे डीपीएसपी में। फिर महिलाओं बच्चों वंचित वर्ग, ये भी डीपीएसपी में आएगा, मतलब राज्य के नीति निश्चित तत्व में, ये भी इसकी बात नहीं हुई। पशुपालन हमने जरूर कहा वन्य जीवों की रक्षा करें, लेकिन पशुपालन की बात नहीं की, मतलब दुधारू पशुओं का संरक्षण की बात नहीं, ये भी डीपीएसपी में आ जाता है। ये जो है प्राकृतिक पर्यावरण, ये डीपीएसपी में भी आता है और इसमें भी आ रहा है, लेकिन कर्तव्य की बात है तो ये भी वहाँ जो है राज्य के तत्व में भी प्राकृतिक पर्यावरण का जिक्र होता है, अनुच्छेद 48 का जो है बना है, और यहाँ पे भी इसका है, तो ये टिक है। तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ऐसे ही ऑप्शन बदल देते हैं, मूल अधिकार की कुछ चीज़ें रख देंगे यहाँ पे, तो आपको मूल कर्तव्य पे अडिग रहना है। ठीक, तो इस प्रकार के प्रश्न रहते हैं। तो एक बार इनको हम देख लेते हैं, 11 जो हैं। मूल कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि फर्स्ट क्या है, संविधान का पालन करें एवं उसके आदर्शों संस्थाओं मतलब जो संविधान के आदर्श हैं उसमें बताए गए हैं, जो भी उसके सिद्धांत हैं और उसकी संस्थाएं जो अभी आगे आएंगी, संवैधानिक आयोग बहुत सारे आएंगे, तो उनका सम्मान करें, संस्थाओं का सम्मान, अब उनके आदर्शों संस्थाओं, फिर राष्ट्रध्वज कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, मतलब मान्यता दी गई थी, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान इसको 1950 से मान्यता मिली। अब राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान को 26 जनवरी 1950, अब राष्ट्रगान का सम्मान करें। अब अगला जो आदर्श, जो दूसरा कर्तव्य है, ये किस चीज़ का जिक्र करता है, स्वतंत्रता के लिए, मतलब आज़ादी के लिए, जो स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे व पालन करें। देखिए, आप लोग भी इसको लिख लीजिए, एक बार लिख लेते हैं, वो चीज़ याद रहती है, बनी रहती है, अपने आप दिमाग में आ जाएगा, हाँ ऐसा था विषय, उस कर्तव्य में था, मतलब मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि मूल अधिकार, राज्य के नीति निश्चित तत्व और जो है ये मौलिक कर्तव्य, तीनों मिक्स हो जाते हैं, तो इनको मिक्स नहीं होने देना है। तो तीसरा जो है इसके बाद क्या रहता है, देश की प्रभुता। ये प्रभुता की बात किसमें की गई है, कभी कभी ऐसा जाता है कि देश की प्रभुता, एकता, अखंडता
की बात किन संविधान के किन जगहों पे की गई, तो एक प्रस्तावना में भी की गई है। संप्रभुता की बात की गई है और एकता अखंडता की बात की गई। दूसरी जगह कहाँ पर बात आई है, मौलिक कर्तव्य में भी बात आई है। तो देखिए मैथ्स की कभी कभी ऐसे भी ऑप्शन आ जाता है, जैसे अभी राज्य के नीति निस्तत्व हम पढ़ाएंगे तो उसमें भी जिक्र रहेगा। जैसे राज्य के नीति निस्तत्व भी एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहता है और कल्याणकारी राज्य का जो विचार होता है राज्य के नीति निस्तत्व से भी मिलता है, जब पढ़ाएंगे आप समझ जाएंगे। और हमने जब प्रियम्बल पढ़ाया था प्रस्तावना, उसमें भी हमने जो है कल्याणकारी राज्य के आदर्शों की ही बात की थी, क्योंकि उसमें भी जो है संप्रभुता है, एकता अखंडता की बात, समाजवाद, लोकतंत्र, लोकतांत्रिक गणराज्य की बात, इस तरीके की बातें थी। तो प्रश्न आ चुका है इस पर कि जो राज्य के कल्याणकारी राज्य का विचार निहित है, तो उसमें था राज्य के निस्तित्व, फिर ऑप्शन एक था प्रियम्बल प्रस्तावना, फिर था मौलिक अधिकार, फिर ऑप्शन था ए व बी दोनों, तो दोनों हैं। ठीक, इस प्रकार जब प्रश्न आएगा तो देखते हैं। देश की प्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें व अक्षुण बनाए रखें। ठीक, फिर क्या रहता है चौथा, देश की फिर कहता है, यह देश की प्रभुता और एकता अखंडता की या देश की रक्षा की बात कर रहा है, देश की रक्षा करें एवं आवाहन किए जाने पर देश की सेवा करें। ये हो जाता है। फिर पांचवा क्या है, लोगों में समरसता व समान भ्रातत्व, जो फ्रेटर्निटी, जो समान भ्रातत्व, ये भी किसमें बात की गई, भ्रातत्व की बात भी उसमें की गई है प्रस्तावना में। समान भ्रातत्व का निर्माण करें की भावना का निर्माण करें वह जो क्या हो, परे हो, जो धर्म, भाषा, प्रदेश मतलब क्षेत्र या तथा किसी वर्ग पर आधारित भेदभाव से परे हो। अब अगला क्या रहता है, ये हो गया, छठे में क्या देखते हैं, जो इसमें क्या रहता है। अच्छा, उसमें जो पांचवे में एक और बात रहती है कि पांचवे में ही जो ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के विरुद्ध हो, ये हो गई बात। अब जो रहती है इसमें छठे में देखते हैं और क्या रहता है, छठे में क्या आता है, अब हम लोगों ने यहाँ तक बात कर ली, अब जो महिलाओं की बात तो हो गई, अब देश की बात भी हो गई, अब संस्कृत की बात आती है, जो कह सकते हो हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें। इस प्रकार की बात आ जाती है। फिर प्राकृतिक पर्यावरण
प्राकृतिक पर्यावरण, पर्यावरण की बात, प्राकृतिक पर्यावरण की जैसे वन, नदी, नदी है, झील है, वह वन्य जीव की रक्षा करें, वन्य जीव की रक्षा करें, की रक्षा करें। ये हो गया। अब बात आती है आठवें की, क्या रहता है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, की रक्षा करें। वह हिंसा से दूर रहें, वह हिंसा से दूर रहें। अब नवी की बात क्या आती है? नवी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अब क्या रहता है दस में? दस की बात क्या रहती है? इसमें वैयक्तिक तथा सामूहिक सभी में निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करें। अब जो अंतिम है ग्यारहवां, इसमें माता पिता या संरक्षक क्या है? माता पिता संरक्षक जो 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चे हैं, के 6 से 14 वर्ष की अपने बच्चों को या पालियों को या पाल्याओं को शिक्षा का अवसर दें या प्रदान करें। ठीक, तो इस प्रकार हमने मौलिक कर्तव्य की बात की, जो 11 बताए गए थे। ये कौन कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2002 में। इससे तीन चीज़ें जुड़ी थी। एक तो ये था, एक मूल अधिकार भी अभी इससे संबंधित आएगा, उसका भी जिक्र करेंगे। जो राज्य के निदेश तत्व DPSP भी इससे जिक्र होता है, DPSP। और यहाँ पर जो है FD मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जिक्र हुआ ही है। 86वां संविधान संशोधन जब आता है तीनों चीज़ों को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार हमने मौलिक कर्तव्य को देखा। इससे अब जो भी प्रश्न आएंगे तो आपके गलत नहीं होंगे। हमने इसका कॉन्सेप्ट बताया और जो इसकी बातें थी इसमें जो लिखी उसका भी चर्चा की। हाँ, ये ज़रूर याद रखिएगा, जो मूल अधिकार जो हैं वो क्या हैं? न्यायोचित हैं, मतलब जस्टिसिबल हैं। ये क्या हैं? गैर न्यायोचित हैं। राज्य के निश्चित तत्व भी पढ़ाएंगे, वो भी गैर न्यायोचित हैं। फिर तीनों में कंपेरिजन करेंगे तो क्या देखते हैं। इस प्रकार हम लोग आगे और भी टॉपिक ऐसे ही पढ़ेंगे। जो आपको चैनल पसंद आता है, समझ में आता है पढ़ाया हुआ वीडियो, तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।